वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्यूटली राइट। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आज जो वीडियो बनने वाला है वो मैं आज बताने वाला हूं कि डी सेट, एल पी सेट और सी पी सेट कैसे रेडी करते हैं। अब कुछ इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट भी कुछ होते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं। और ऑटोक्लेव जो मेरे पीछे मशीन ये देख रहे हैं, आज मैं चला के दिखाने वाला हूँ कैसे चलाते हैं इसको। तो सारा कुछ आज आपका क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये 3 सेट जो है मेरे पास आया है। एलपी सेट, सीयूपी सेट है, ये हमारे पास डी सेट है। ये तीनों सेट को आज मैं रेडी करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी क्या करूँगा, मैं सारे ट्रे में से सारे इंस्ट्रूमेंट को मैं इस जाली में रखने वाला हूँ। तो ये अभी आपने देखा कि सारा ये एडजस्ट हो गया है। अब मैं इस जाली को रखने वाला हूँ ये अल्ट्रासोनिक मशीन के अंदर। जैसा कि मैं बताया था पिछले वीडियो में कि अल्ट्रासोनिक मशीन में सारे इंस्ट्रूमेंट को वाश होता है केमिकल के द्वारा, तो इसी केमिकल को मैं आज यूज करके सारे इंस्ट्रूमेंट को वाश करूँगा। तो फिलहाल मैं इस जाली को मैं उसमें रखता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें आ चुका है। अब मैं इसको, ये जो लगे हुए हैं पानी के पाइप, इसको मैं इसमें रख कर और यहाँ से ये ऑन कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आप ये देख सकते हैं कि पानी पूरा भर चुका है। ये मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। और बाहर निकालने के बाद इस केमिकल को, जो ये केमिकल मैं डालने वाला हूँ, इसको सिर्फ 2 ढक्कन डालूँगा थोड़ा सा, ताकि ये इंस्ट्रूमेंट वाश हो सके। तो ये एक बार यहाँ डाल दिया, एक बार यहाँ, बस इतना काफ़ी है। इसको मैं फिर रख देता हूँ। इसको बंद करने के बाद ये केमिकल इसमें जा चुका है। अब मैं इसको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चालू हो चुका है अल्ट्रासोनिक, जैसे कि आप लाल बत्ती देख भी रहे हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बंद करने के बाद ये पूरी तरह से हीट हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से भाप ये बन गया है, क्योंकि गर्म होके पूरा भाप की तरह ये पानी की तरह ड्रॉपलेट गिर रहा है। अब मैं इंस्ट्रूमेंट को ये बाहर निकालूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे इसमें जो पानी एकदम गंदा हो चुका है, क्योंकि इसमें जितने भी जम्स थे सारा कुछ निकल चुका है। इससे इसको हम बाहर की ओर निकाल सकते हैं। तो मैं अभी जैसे कि ये बाहर निकाल रहा हूँ, तो हमको इसके अंदर हाथ नहीं डालने पड़ेंगे पानी में, और ये सारा इंस्ट्रूमेंट इसमें से आसानी से ये बाहर आ जाएगा। तो भी मैं इसको बाहर निकाल लिया हूँ। और मैं फिर से मैं चालू करूँगा। ये मैं क्लीन वाटर, ये जो है क्लीन वाटर है, और इससे मैं वाश करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जितने भी केमिकल्स होंगे वो सारा कुछ निकल जाएगा इसमें से। ये अभी पूरी तरह से पानी से, मैं क्लीन वाटर से इसको ऊपर से ही इसको वाश कर दे रहा हूँ, जिससे कि इसके ऊपर कोई भी जम्स ना रहे। और ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। और मैं अभी इसको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद मैं इस पर ड्राई क्लीनर, जो ये देख रहे हैं ड्राई क्लीनर गन, इससे मैं यूज़ करने वाला हूँ। और इस पर इसका यूज़ जो होता है वो सारे इस पर जितने भी वाटर के ड्रॉपलेट हैं ये सारा कुछ ये हट जाएगा। तो अभी मैं इसका यूज़, गैस ये हो चुका है पूरी तरह से क्लीन। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि इस सारे तीनों ट्रे में हमारा रेडी होगा, एक हमारा एलपी सेट, एक हमारा डी सेट, एक सीयूपी सेट। तो इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं, डी सेट ड्रेसिंग सेट बनेगा, एलपी सेट लंबर स्पाइनल सेट, और सीयूपी सेट सेंट्रल वेनस प्रोसीजर, ये सेट होता है। तो ये तीनों मैं अभी रेडी करने वाला हूँ। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रहेंगे ये आपको भी पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके। सो फ्रेंड्स, अभी ये है, ये हमारा तीनों ट्रे रेडी हो चुका है और सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें मैंने सेटअप कर लिया है। और अभी मैं एक एक दिखाता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डी सेट है। डी सेट में हमारे दो बाउल होने चाहिए, और दो बाउल में क्यों होने चाहिए, एक में मैं एक कॉटन और दूसरे में गॉच पीस रखे जाते हैं। तीसरा, इसके बाद अगर ये देख सकते हैं, ये है टूथ फॉर्सेप जो कि इस टाइप में होता है। और नेक्स्ट सो ये अभी सीजर है जो कि ये डी सेट में होने भी चाहिए। हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम कहते हैं स्टेपलर रिमूवर। और इसके बाद सो गाइज ये हमारा आता है नीडल होल्डर, जो कि हमारा जो भी अगर किसी पेशेंट को सूचर करना हो तो उस अकॉर्डिंग ड्रेसिंग के टाइम अगर हम इससे सूचर कर सकते हैं। तो ये हमारा नीडल होल्डर होता है नीचे से होल्ड करने के लिए। और इसका कुछ शेप जो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आता है, ये आता है हमारा स्पंज होल्डर। ये पेंट टूंट करने का काम आता है। तो ये कुछ हमारा स्पंज होल्डर है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आता है हमारा स्टिच रिमूवर, तो जो भी स्टिच लगा हो उसको रिमूव करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो इस टाइप में हमने सारा इंस्ट्रूमेंट को बता दिया। रेडी हो जाता है हमारा ये ड्रेसिंग सेट, जो कि हम डी सेट के नाम से भी जानते हैं या फिर ड्रेसिंग सेट इसको कह सकते हैं। दूसरा आता है एलपी सेट, जो कि हमारे एलपी सेट में सिर्फ 2-3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि एक तो हमारा ये हो गया स्पंज होल्डर, जो कि आप देख सकते हैं, ये हमारा स्पंज होल्डर हो गया। और इसके बाद आता है नेक्स्ट जो बाउल है, ये आप देख रहे हैं। तो ये दो मोस्टली होता है। इसके साथ एक हम रखते हैं एक कटसिट, जो कि, और साथ में ही कुछ गॉच पीस। ये हमारा एलपी सेट रेडी हो जाता है। नेक्स्ट आता है सीपी सेट, सेंट्रल वेनस प्रोसीजर सेट, जो कि एक किडनी ट्रे, जो कि ये आप देख सकते हैं। और किडनी ट्रे के साथ साथ हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्पंज होल्डर, जो कि आपको मैंने अभी पिछले डी सेट और एलपी सेट में मैंने दिखाया। तो ये हमारा स्पंज होल्डर हो गया। इसके बाद हमारा ये टूथ फॉर्सेप। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं, ये टूथ फॉर्सेप हमारा है, क्योंकि ये तीर की तरह ये निकला होता है और ये किसी भी पार्टिकल को पकड़ने का काम आता है। तो ये हमारा ये टूथ फॉर्सेप हो गया। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा ये आर्टरी है। नीडल होल्डर, जो कि भी मैंने डी सेट में भी दिखाया था, तो सेम वही है, नीडल होल्डर है। तो ये आप इसका शेप देख सकते हैं किस टाइप में होता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सीजर। तो ये हो गया सीजर, क्योंकि कट करने के लिए हमारा ये ज़रूरत होता है सीजर का। और इसमें जो मेन होता है इंस्ट्रूमेंट ये होता है, जो कि बीपी होल्डर। तो इसमें हम ब्लेड लगाते हैं। इसमें जो ब्लेड लगता है वो 23 नंबर का 11 नंबर का ब्लेड लगा कर हम प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये ब्लेड लगाने का काम आता है। तो ये हमारा ब्लेड है, बीपी होल्डर भी कह सकते हैं इसको। तो ये बीपी होल्डर जो हमारा ये नंबर अगर देखा जाए तो ये 3 नंबर है, जो आप देख सकते हैं। 3 नंबर में मोस्टली जो लगता है वो 11 नंबर का 15 नंबर का ब्लेड आप लगा सकते हैं। हो गया। तो टोटली ये मैंने बता दिया कि सीयूपी सेट में क्या क्या होता है। साथ साथ कुछ गॉच पीस जो ज़रूरी होता है ये रख देते हैं। और ये हमारा है कट सीट होने ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी प्रोसीजर हो रहा है वहाँ पर हम इसको अच्छे से रख सकते हैं। और इसको मैं अभी फ़िलहाल मैं सबको पैक कर दे रहा हूँ। ये हमारा तीनों सेट रेडी हो चुका है। सो दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि मैंने ये एक ग्रीन सीट है, इसको मैंने बिछा दिया है, इस पर रख दिया है। तो इसको हम मोस्टली ऐसे नहीं रखते हैं, इसको हम थोड़ा सा कर्व करके रखते हैं, साइड करके रखते हैं। और इस टाइप कुछ ऐसे रखेंगे। और इस कॉर्नर को पकड़कर मैं इसको ऐसे रखने वाला हूँ, फिर इसको ऐसे, इस साइड को मैं ऐसे रखूँगा, और इसको मैं ऐसे इसमें पैक कर देता हूँ। तो ये कुछ डी सेट को पैक करने का, या फिर सीयूपी या एलपी सेट तीनों को पैक करने का ये तरीका होता है। सो अभी ये काफ़ी ढीला है, क्योंकि मैं एक हाथ से कर रहा हूँ। अभी मैं दोनों हाथ का यूज करके अभी मैं इसको पूरा पैक कर दूंगा, तो ये काफ़ी टाइट हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी मैंने ये सीयूपी सेट इस पर लिख दिया है और डेट भी डाल चुका हूँ। तो ये पूरी तरह से पैक है, और मैं इसको इस मशीन में मैं रखने वाला हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें जगह होता है रखने के लिए। इसमें पूरी तरह से रख के ट्रे, इसमें छोटे जो ड्रम होते हैं जो इस टाइप में, इस ड्रम को भी मैं अंदर रख सकता हूँ। काफ़ी स्पेस होता है। और मैंने पिछले बार में बताया भी था कि इसमें कई सारे ऐसे मोड होते हैं जैसे कि अभी ये है स्लो मोड, इसके बाद हीट पर रखते हैं, उसके बाद आते हैं तो नेक्स्ट जो आता है फास्ट एग्जास्ट और इसके बाद वैक्यूम ड्राई पर लास्ट इसको कर देते हैं। तो ये कुछ प्रोसीजर होता है इसको स्लाइस करने के। और इसका जो पावर मेन होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका मेन पावर है और यहाँ से हम इसको यूज कर पावर को ऑन करके ये स्टेलाइज किया जाता है मशीन को। तो अभी फ़िलहाल में मैं जो ट्रे है रेडी किया हूँ इसको मैं अंदर रख देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारा वो होता है ये, जो कि आप देख सकते हैं, इस चीज़ को कहते हैं इंडिकेटर, स्टेलाइज इंडिकेटर कहते हैं। और जिससे कि ये भी आप कलर देख रहे हैं इसका, जो ये भी जो लाइट ग्रीन है और जब स्टेलाइज हो जाने के बाद ये डार्क ग्रीन हो जाता है। तो अभी मैं इस पर लगाने वाला हूँ और इस पर जो हमारा सेट है वो लिख दूंगा इस पर और डेट डाल देता हूँ। तो इसको करने के बाद मैं स्टेलाइज मशीन ऑन करूँगा। तो फिलहाल मैं इसको करते हैं। ये अंदर मैंने रख दिया है, अब मैं इसको पूरी तरह से पैक कर दूँगा। ये हमारा, तो ये इस टाइप में कुछ मैं कुछ पूरी तरह से टाइट, तो ये टाइट हो चुका है। अब मैं मशीन को ऑन कर देता हूँ। ये मशीन ऑन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर दिखाने लगा है। ये कुछ माइक्रोमीटर है जो कि ये भी 0 पर है, ये जब 30 पर आ जाएगा तो ये साउंड करेगा। जैसे कि मैं इसको हीट मोड पर ले आऊँगा, हीट मोड पर लाने के बाद ये 132 से लेकर 135 के बीच में हम इसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये हीट मोड से फास्ट एग्जास्ट पर करते हैं, उसके बाद लास्ट में ड्राई मोड पर करते हैं। अभी फ़िलहाल में मशीन चालू है, तो अभी फ़िलहाल में आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। तो मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी तक आपको कैसा लगा वीडियो, जैसे कि मैंने बताया कि मशीन कैसे ऑन करते हैं, क्या करते हैं, इसके बाद सारा कुछ आपको डिटेल में बताया। तो आपको वीडियो क्या अभी भी कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कुछ जनरल इंस्ट्रूमेंट के नाम ही बताऊंगा, तो मैंने इस वीडियो में मैं रिकवर किया हूँ कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम। और भी कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि मैं आपको सारा मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो आपको इंस्टाग्राम आईडी मेरे पर दिखाई दे रहा होगा, उसको फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर से फॉलो कर लेंगे। आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं वहाँ भी आपको आंसर दे सकता हूँ। फिलहाल में आपको पहली और वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने जितने भी सारे ग्रुप हो गए उसमें ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइएगा, तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।